enlightening the world with such a beautiful thought that you've put across on screen today, and we watched it. How did the whole concept how did it all happen? How did you start your journey? Thank you firstly for watching my film. It's a great honor to be able to show this film here in India. Me being from India, it's a great privilege. This film had premiered in New York, and I really was hoping that I'm able to share it with my people here in my home country, and it's absolute honor and pride to do that. So thank you firstly for that. And my journey started almost 8 years ago. There's a 8 to 9 years research behind this subject that I have been working on, and I wanted to try like a proof of concept. Am I able to handle a subject which is as delicate as this one? And the inspiration came at a down point in my life when I was going through something massive, and my doctor, an Ayurveda therapist from India, he sent me a poem that night, which was the poem of Yashodhara Ma, to build strength in me. And something stayed that night in me like a seed, and I said, there's something about this woman, and she became like a beacon of light and courage for me. And I sort of took an oath that I will say this story in some way in my capacity. And this is a small taster of what I tried to do. I would like to say the whole story. It's 100+ episodes, and I hope one of these interesting media houses will come forward and would want to put this on the screen. So I'm looking forward to doing that, and thank you all for seeing the film today. नेहा, आप इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, आपकी जर्नी शूट करी थी. मैं ये फिल्म जयपुर में शूट करने वाली थी. मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे हमारे कनेक्शंस थे कुछ पैलेसेस में वगैरह. हम ओरिजिनली वहाँ शूट करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ मॉनसून सीज़न इंडिया में हमने सोचा अब नहीं हो पाएगा, 3 महीने का ब्रेक हम नहीं ले सकते, तो हमने पूरा का पूरा सेटअप न्यूयॉर्क में करने का सोचा. एंड कुदरत का करिश्मा कहूँगी, बिकॉज स्नग हार्बर करके एक जगह है न्यूयॉर्क में, जो कि बिल्कुल पुराने ज़माने की लाइक आप नेपाल में चले जाएँ या जहाँ बुद्धा का बर्थ हुआ है, बिल्कुल वैसी ही फील है हमें वो जगह पे मिल गई. सो आई वुड से इट वाज अ ब्लेस्ड प्रोजेक्ट. हमें काफ़ी सपोर्ट मिला न्यूयॉर्क गवर्नमेंट से भी. हमने सेंट्रल पार्क में शूट किया, स्नग हार्बर में शूट किया. चैलेंजिंग तो बहुत रहा, बिकॉज यहाँ पर ना अपने देश में बात अलग है, एक फ़ोन करो सारे लोग आ जाते हैं हेल्प करने. वहाँ पर मैं आप कुछ भी हो, आप एक इंटरनेशनल विजिटर, टूरिस्ट, स्टूडेंट, जो भी उस माध्यम से देखे जाते हो. सो चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं इवन कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारे देश में भी कईयों को बुद्धा और उनकी वाइफ की पूरी कहानी नहीं पता, तो वहाँ तो बहुत बड़ी बात थी. वहाँ कई लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी वाइफ है. तो काफ़ी चैलेंजेस रही, लेकिन मैं कहूँगी काफ़ी सपोर्ट भी रहा, बिकॉज आई थिंक प्रोजेक्ट होना था. आप रिसेंटली भी नेपाल से भी वन लॉट ऑफ एक्टिविटीज. You've recently come back also, traveling with the film all over the world, not just हमेशा से रही है. थोड़ा बताइए, how did you start your career? It's a long journey till now you've turned such a brilliant filmmaker. एक बेसिक शुरुआत कैसी रही आपकी? जी, एक्चुअली मैं इंडस्ट्री से बहुत ऑलमोस्ट 18-19 सालों से जुड़ी हुई हूँ. मेरी शुरुआत एक कमर्शियल आर्टिस्ट की तौर पे एक एड एजेंसी में हुई थी, और फिर मैंने एक मीडिया एजेंसी ज्वाइन की थी आप लोगों की तरह, एक मीडिया एजेंसी ग्रुप एम करके. और फिर वहाँ से एक बॉलीवुड का डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, जिसमें मैंने काम करना शुरू किया था. वहाँ से जो एक तरह की दौड़ हमने पकड़ी, फिर मैं फॉक्स में थी कई सालों तक. काफ़ी फिल्मों पर काम करने का मौका मिला. मेरी पहली फिल्म थी प्रियंका चोपड़ा जी की मुझसे शादी करोगी, एंड सो दैट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर मी. उसके बाद फिर हम सोनी में गए, रिलायंस में गए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एंड स्टूडियोज़ के साथ में हमने काम किया. एंड जब इनके साथ मैं काम कर रही थी, तो मुझे एक ऐसा था कि ये कहानियाँ बड़ी प्यारी होती, बहुत मतलब इन कहानियों में तो मतलब हमें भी कुछ कहानी कहनी है. तो वो कहानी कहने की जो चाहत थी, उसी के वजह से शायद ये डायरेक्शन का कोर्स करके अब हम डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं. नेहा, आपने फिल्म मार्केटिंग, ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, आप सबसे ज़्यादा खुद क्या एंजॉय करते हैं? कितना चैलेंजिंग आपको लगता है फिल्म मेकिंग का हर डिपार्टमेंट? दिस इज फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स हु वांट टू रियली गेट आउट देयर एंड गेट इंस्पायर्ड. आई थिंक सबसे चैलेंजिंग तो ये है जो अभी हो रहा है मेरे सामने, यू नो, कैमरा पकड़ करके खड़े रहना सैटरडेज़ को, संडेज़ को, दिन में, रात में, यू नो, पूरा समय कि कुछ ऐसी कहानी जो हो रही है दुनिया में उससे हमें बाहर लाना है। ये जो चाहत है यही आई थिंक हमें फिल्म मेकर बनाती है, बिकॉज ये जो स्टोरीज़ है जो हम सुनते हैं, वी वॉन्ट टू ब्रिंग दी स्टोरीज़ आउट, हम ये कहानी किसी तरह कहना चाहते हैं और वही पैशन हमें आगे यू नो बढ़ाता रहता है। आई वुड से एवरी डिपार्टमेंट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। आज मार्केटिंग ले लीजिए, बिना मार्केटिंग के आप फिल्म बनाएं, किसी को पता नहीं आपने फिल्म बनाई है। आज आप प्रोडक्शन ले लीजिए, अगर प्रोडक्शन सही नहीं है तो क्वालिटी ख़राब दिखेगी। सो हर डिपार्टमेंट की अपनी अहमियत है, लेकिन सबसे अहम है कि आप वो कहानी ऑडियंस के दिल को छू जाए, यू नो। सो सबसे अहम वही बात है कि आपकी कहानी में क्या ऐसी बात है जो ऑडियंस के दिल को छू सके। तो यहाँ कितना चैलेंजिंग रहा एक दूसरी कंट्री में जाके शूट करना एंड यू नो प्रोफेशनल टू मेक अ फिल्म, यू शॉट द एंटायर फिल्म इन न्यूयॉर्क। जी ऑनेस्टली अगेन ये ब्लेसिंग है, बिकॉज़ ये फ़िल्म का प्रीमियर हमने न्यूयॉर्क में किया नवंबर में, फिर दिसंबर ये फ़िल्म ऑनलाइन चली फिल्म फेस्टिवल फ्लिक्स के थ्रू जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल थी। जनवरी में हमने टिबेटन म्यूज़ियम करके एक जगह है न्यूयॉर्क में, उन्होंने इनवाइट किया फ़िल्म को। फिर उसके बाद हम जैन टू फेब यूरोप में रहे, क्लेमोफिल्म फिल्म फेस्टिवल में, शॉर्ट फिल्म मार्केट में। और अभी मार्च में हमें विच वॉज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज़ ये जन्म स्थान है नेपाल, बुद्धा और यशोधरा दोनों का, और वहाँ पर फिल्म को इनवाइट किया गया एट अ वेरी हिस्टोरिकल इवेंट एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज यहाँ मेरे घर में, मुंबई में, इंडिया में ये स्क्रीनिंग हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स देखिए, एक तो मैं ये कहानी आगे ले जाना चाहूँगी, बट आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड विद अ राइट पार्टनर। इसके अलावा हमारा लाइनअप है, फीचर फिल्म्स हो रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है जो हमने शूट करी है, इट हैज़ आई थिंक 120 पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें दीपक चोपरा हैं, साध्वी भगवती सरस्वती जी हैं इंडिया से, मू जी हैं, बहुत सारे वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, टीचर्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह से लोग हैं उसमें। वो इस साल 2023 में हम रिलीज़ करेंगे। और फिर हम कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स चालू कर रहे हैं अमेरिका में, फीचर फिल्म प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे। चलते चलते यहाँ क्या मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम सब यहाँ एक्टर्स हैं, एक तरह से कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। हम जिस दौर से अभी गुजरे हैं, जो कोविड का टाइम और जो अभी भी हमारे साथ चल रहा है, अंदर से सब कहीं ना कहीं टूटे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर हम एक दूसरे को संभालते हुए, साथ लेते हुए चले, आई थिंक दैट इज़ द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव। एंड बस यही है कि हमारा कंटेंट किसी न किसी तरह किसी के दुखते दिल को या कहीं ना कहीं किसी को मलहम की तरह काम करे, यही मेरी आशा है। थैंक यू।